हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की ये वीडियो हमारी हाइड्रोकार्बन की है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बाकी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। टॉपिक वाइज वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी आपको हर एक सब्जेक्ट की। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ में अगर आप किसी भी तरीके की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ चल रही है हमारी 1000 क्वेश्चन की, आप वो भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, SI, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन का है। शुरू करने से पहले जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लें, अपने ग्रुप में शेयर कर लें, स्टडी ग्रुप में, और जो नए यूज़र्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आज की वीडियो हमारी हाइड्रोकार्बन की है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, कार्बन का होता है C। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, इनके कंपाउंड्स होते हैं, इनके यौगिक होते हैं फ्रेंड। कैसे होते हैं? इनमें जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, आबंध बनता है, वो आपके तीन तरह के होते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है, चैन होती है, वो कैसी होती है? तीन तरह की होती है। पहली होती है एकल आबंध, जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर बॉन्ड। और सेकंड होता है आपका द्वि आबंध, जिसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। और एक होता है त्रि आबंध, जिसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, रिपीट कर रहा हूँ, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक की शेयरिंग होती है, एक एटम्स की से एक मॉलिक्यूल्स की शेयरिंग होती है, तो वो आपका एकल आबंध कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं? एल्केन। जब उनके बीच में जो रिलेशन होते हैं, बाउंडेशन होती है, वो डबल शेयरिंग की होती है, तो वो कहलाता है एल्कीन। फ्रेंड्स, नाम याद रखना, अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आगे कैसे बनते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जब एकल आबंध हो, सिंगल शेयरिंग एल्केन, डबल शेयरिंग एल्कीन, और जब उनके बीच में ट्रिपल शेयरिंग होती है तो कहता है एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर हैं? रिपीट, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ट्रिपल लंबा है तो इसलिए काइन, थोड़ा सा आपको उसको लॉन्ग खींचना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या देता हूँ आपको, कि अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या एक होगी तो वो क्या होगा? मिथ। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या एक है तो कहलाएगा मिथ। और इससे पहले आप ये ध्यान रखने का, क्या एल्केन, ठीक है, एन एन, ईन आइन, ठीक है, इसको बोलते हैं एन ईन आइन। जब ये आप बाउंड वो बनाओगे ना नया कंपाउंड, तब आपको उसमें पता लगेगा। अभी मैं बताऊंगा सब, आप चिंता मत करिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आज आप हाइड्रोकार्बन प्रॉपरली सीख के जाएंगे अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, अगर एक कार्बन होता है तो मिथ, दो कार्बन होता है तो एथ, तीन पे प्रॉप, चार पे ब्यूट, पाँच पे पेंट, छः पे हैक्स। ठीक है, तो देखिए, अब मैंने बोला इनके बीच में सिंगल कंपाउंड होता है, ठीक है, शेयरिंग, यानी कि एकल आबंध के हैं, ठीक है, सिंगुलर बॉन्ड है। तो मैंने सिंगुलर बॉन्ड में क्या बनाया था आपका? सबसे पहले थर्ड में काइन, सेकंड में ईन, और थर्ड फर्स्ट में एन, एल्केन। इसमें क्या है लास्ट में? एन है ना, ठीक है। तो देखिए, एन वाला वर्ड यहाँ से उठाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड का है, और मिथ यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड है तो मिथ, यानी कि मिथेन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? मिथेन। देखिए, आपको इस चार्ट में देखिए, ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, मिथेन। क्यों? इसमें सिंगल शेयरिंग है, सब में सिंगल शेयरिंग होगी, कार्बन एक है। जब कार्बन दो होंगे फ्रेंड्स, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ, C2H6 है, ये एथेन है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और जब तीन कार्बन होते हैं तो प्रोप होता है, पीछे एन लगा देंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे पेंटेन, फिर आपका हेक्सेन, तो इस तरीके से टोटल बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, पीछे एन लगाना है, और बाकी मैंने आपको इस सीरीज़ में बताई थी
किमित एत प्रो ब्यूट पेंट और हैक्स। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा मैं एक बना के भी दिखा देता हूँ। सपोज प्रोपेन का बनाना है मेरे को, तो प्रोपेन में फ्रेंड्स देखिए कार्बन कितने, तीन, एक दो, अच्छा सी सही नहीं बना, एक दो तीन। तो इसमें सिंगल बॉन्ड में एक नीचे हो जाएगा, आठ कार हाइड्रोजन होंगे इसमें, ठीक है, आठ कार्बन होंगे। तो आप देखिए ऐसे इनमें रख देंगे और फिर दो इधर हो जाएंगे, ये आपके टोटल हो गए आठ। देखो दो और तीन पाँच, तीन आठ। तो ये हमारी सिंगल शेयरिंग हो गई किसकी, प्रोपेन की, क्योंकि इसमें तीन कार्बन है, चार होते तो ब्यूटेन होता, पाँच होता था पेंटेन, छः होता था हेक्सेन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। देखिए जो एल्केन होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन माइनस टू। देखिए अगर आप एक, सपोज आप एन की संख्या एक रखते हो, तो यहाँ हो जाएगा सी वन एच, यहाँ एक रखोगे तो कितना हो जाएगा टू, यहाँ प्लस है, ठीक है, और प्लस टू, तो हो जाएगा सी वन की वैल्यू कुछ नहीं होती तो वन लिखेंगे, और H के नीचे 2 टू 4, यानी कि CH4 क्या बन गया, मीथेन, पीछे बताया था मैंने आपको। अब हम ट्राई करते हैं एथेन बनाते हैं। एथेन में कार्बन कितने होते हैं फ्रेंड्स, दो, चलिए दो रखिए। तो आपने जैसे इस पे दो रखा इस वाले फॉर्मूले में, C2H2 × 2 + 2, तो ये आपका कितना हो गया C2H2 × 2 = 4 और + 2 = 6, यानी C2H6 आपका क्या हो गया, एथेन। इस तरीके से आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, आप सब की सीरीज बना सकते हो। ठीक है, ये आपको इसके फॉर्मूले खुद ही बना सकते हो। आपकी क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ इसका नेक्स्ट जो होगा ब्यूटेन है, तो अगला क्या होगा, तो आप अगला खुद बता सकते हो। इसमें पाँच रखेंगे, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ अगला पेंटेन होता है, पेंटेन का क्या फॉर्मूला होता है, पेंटेन का जो होता है, अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूँ कि पेंटेन का क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, जो पेंटेन होता है इसका फॉर्मूला होता है, इसमें रखिए पाँच C5H, या पाँच रखेंगे, पाँच दूनी दस और दो बारह, यानी कि C5H12 होता है पेंटेन का। तो आप खुद ही बना सकते हो ऐसे, ठीक है। हेक्सेन का क्या होता है, आपको फॉर्मूला नहीं पता, आप सिर्फ एक ये याद रखो, एल्केन का क्या होता है, एल्केन में आपका होता है क्या, CnH2n+2। ठीक है फ्रेंड्स, आप किसी का भी बना सकते हो, किसी का भी, इस तरीके से। आप, आपको नहीं पता, आपको सपोज प्रोपेन का नहीं पता, ठीक है, आपको जैसे प्रोपेन का नहीं पता, और जैसे आपको ये पता है कि जो प्रोपेन होता है उसमें कितने होते हैं, तीन कार्बन होते हैं, कोई बात नहीं, आपको इतना पता उतना बहुत है, आप उससे बना लो। कार्बन तीन होते हैं ना, तीन इसमें रख दो, कितना C3H3 × 2 = 6 + 2, यानी कि C3H8 बन गया आपका प्रोपेन का, ये देखो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप एल्कीन डबल बॉन्ड का बना सकते हो। अब मैं आपको डबल बॉन्ड का सिखाता हूँ। डबल बॉन्ड में क्या होता है, CnH2n, ठीक है, जैसे आपको क्या होना है। अच्छा फ्रेंड एक और चीज़ याद रखिएगा कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि एक कार्बन मिथ, दो कार्बन एथ, ठीक है, एथ, इनके पीछे ना उपसर्ग लगाना है, सॉरी प्रत्यय होता है, पीछे पीछे प्रत्यय लगाना है, ठीक है। तो वो कैसे लगेगा, वो इनके अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आप सेकंड बॉन्ड वाला बना रहे हो तो पीछे इन लगाना है, एल्कीन है ना, तो ये इन का साउंड दे रहा है लास्ट में, इन लगाना है। इसमें एन लगाया था, इसमें इन लगाना है, इन, ठीक है फ्रेंड, रिपीट कर रहा हूँ, इन लगाओगे। चलिए तो इनका नामकरण करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, कैसे नामकरण होता है इनका एक तरीके से, ठीक है। देखिए जैसे कि कार्बन के इसमें दो मॉलिक्यूल्स रखे हमने, तो C2H2 × 4, यानी C2H4 क्या होगा, मैंने बताया था कार्बन के दो होते हैं तो क्या कहलाता है, कार्बन के दो होते हैं तो एथ कहलाता है, एथ। और सेकंड बॉन्ड वाला बना रहे हैं तो पीछे इन लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एथीन, इसका नाम हो गया एथीन, इसे एथिलीन भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आप बात करें अगले की, जिसमें तीन कार्बन होते हैं, आप कॉपी में सब लिख के फिर आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे फ्रेंड। जब आप इसमें देखिए तीन रखते हैं तो आपका क्या बनेगा, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन बनेगा। चलो मैं आपको चार वाला बताता हूँ।
देखो चार, जिसमें चार होते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। ठीक है चलिए चार रखते हैं, इसमें चार रखो, चार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H4 × 8, 8। ठीक है तो ये किसका हो गया फ्रेंड, जिसमें कार्बन की चार मात्रा होती है वो ब्यूट कहलाता है, सेकंड ग्रुप का है, यानी ये आपका सेकंड बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है, तो आपका क्या होगा इसके पीछे इन जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ओके इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं किसका अगला, पांचवे का पेंटीन, उसके बाद हेक्सेन, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, डबल बॉन्ड का सिखा दिया, नाउ टू बी ट्राइओन, किसका हम ट्रिपल बॉन्ड का बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड ट्रिपल बॉन्ड में आपको मैं नाम बता दूं पहले क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में लास्ट में क्या आता है, आयन। ठीक है आयन। चलिए फ्रेंड देखिए इसका जो फॉर्मूला है, जैसे मुझे बनाना है किसका, सेकंड ग्रुप का जिसमें दो कार्बन हो, तो देखिए C2H, यहाँ क्या होता है 2N-2, तो 2 × 2 = 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यानी C2H2, ये बन गया आपका फॉर्मूला ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला बन गया, कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसके अंदर एथ होता है, तो और मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो ट्रिपल बॉन्ड में आयन जुड़ता है, तो एथाइन, ये आपका बन जाएगा एथाइन, जिसे एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, सेकंड वाले में इन जुड़ता है, फर्स्ट वाले में एन जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड में एन, सेकंड बॉन्ड में डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में आयन, तो एथाइन हो गया। चलो एक और निकाल के दिखाता हूँ मैं, जैसे तीन कार्बन वाला प्रोप कहलाता है, लिखिए C3, और यहाँ एच कितना हो जाएगा, 3 रखोगे, 3 × 2 = 6, 6 में से 2 गया 4, यानी कि C3H4। C3H4 किसका होगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हो C3H4 किसका हो जाएगा, ये आपका प्रोप, और उसके बाद आयन जुड़ जाएगा, तो ये आज आपका प्रोपाइन। ठीक है प्रोपाइन, ये आपका प्रोपाइन हो जाएगा। ओके फ्रेंड इसी तरीके से आप अगला भी निकाल सकते हो, देखो ब्यूट का, ब्यूट में कितने होते हैं, चार होते हैं, चार रखिए, तो C4, 4 रखोगे, 4 × 2 = 8, H6। ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने अभी चार ही वाला निकाल दिया था क्या, ठीक है फ्रेंड चार वाला होगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, और तीन वाला निकालेंगे तो शायद, मैंने देखते हैं, देखो तीन वाला बताता हूँ मैं आपको प्रोपाइन कैसे निकलता है, C3H, यहाँ कितना रखोगे, 3 × 2 = 6, 6 में से 2 गया 4, अच्छा शायद यही लिखा था मैंने, है ना। ओके फ्रेंड ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा प्रोपाइन, और जब आप यहाँ पे चार रखोगे इसके अंदर C4H6 हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूटाइन, उसके बाद अगर आप 5 रखते हो, ठीक है तो C5, और 5 × 2 = 10 में से 2 गया 8, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा पेंटाइन। फिर आप 6 वाला रख सकते हो, 6 रखोगे तो क्या आएगा, C6H6 × 12 में से 2 गया 10, ये हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आपको मैंने नामकरण करना सिखा दिया, किसका, सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का। आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हुआ है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट करें इसी तरीके के बाकी कंटेंट की वीडियो, ताकि हम बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आप शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके ही सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने व्यूज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके हैव अ नाइस डे, बाय बाय।